नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है यश कुंजानिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बटेक्स में। और दोस्तों, खड़ी कर रही है इशारा टॉप टेक न्यूज का, तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की सबसे पहले टेक न्यूज़ की बात की जाए तो वो आ रही है गूगल डुओ की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे गूगल डुओ वेब क्लाइंट को अब 32 पीपल्स के चैटिंग को एक साथ करवाने का सपोर्ट मिलने वाला है। और यहाँ पे गूगल ने इस बारे में पिछले महीने अनाउंस कर दिया था, और जल्द ही अब ये जो है वीडियो चैट के अंदर 32 पीपल तक का सपोर्ट जो है वो ऐड कर देने वाले हैं। और वहीं दोस्तों, इसके पहले हम आगे के टेक न्यूज़ की तरफ बढ़ें, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आपके दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, इसके बाद आज की अगली टेक न्यूज़ की बात करी जाए तो वो आ रही है गूगल की ही तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे गूगल मीट का टैब जो है वो आपको जल्द ही जीमेल एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉयड और iOS के लिए हैं। इसके पहले गूगल मीट का टैब जो है उन्होंने जीमेल का जो वेब क्लाइंट है, वेब पेज है, उस पर ऐड कर दिया था। और अब यहाँ पे वही सपोर्ट जो है आपको गूगल के जीमेल एप्लीकेशन को भी देखने को मिलेगा। और वहीं दोस्तों, इसके बाद आज की अगली टेक न्यूज की बात की जाए तो वो आ रही है एसर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एसर 114 जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है इंडिया के अंदर। और इसके अंदर आपको इंटेल का प्लेटिनियम गोल्ड 4415U प्रोसेसर देखने को मिलेगा। वहीं इसके अंदर 4GB DDR4 रैम देखने को मिलेगी, जिसको आप एक्सपांड कर सकते हैं 32GB तक। और वहीं दोस्तों, इसके कुछ स्पेक्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 14 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और इसके अलावा यहाँ पे बात की जाए कनेक्टिविटी की तो इसके अंदर वाईफाई, ब्लूटूथ, जीगाबाइट लैन पोर्ट, HDMI पोर्ट और 2 USB Type A 3.0 पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही एक USB Type A 2.0 पोर्ट भी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ VGA पोर्ट भी रहेगा। और दोस्तों, इसकी कीमत की बात की जाए तो 22,999 रुपये रखी गई है, जो कि आपको इसके लिए देनी पड़ेगी। और दोस्तों, इसके बाद आज की अगली टेक न्यूज़ की बात की जाए तो वो आ रही है फेसबुक की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फेसबुक ने कई अकाउंट्स को अभी हटाया है, हाल ही में 100 के ऊपर अकाउंट्स को हटाया है जो कि वॉयलेंस स्प्रेड कर रहे हैं। और कुल मिला के बात की जाए तो 500 अकाउंट्स को जो है फेसबुक के ऊपर से हटाया गया है। इसके अलावा उनमें 300 अकाउंट्स जो हैं वो इंस्टाग्राम की तरफ से भी हैं, और ऐसी इसके अलावा भी कुछ अकाउंट्स हटाए गए, जिनको टोटल मिला के 900 अकाउंट्स जो हैं वो फेसबुक ने रिमूव किए गए जो वॉयलेंस फैला रहे थे। और वहीं दोस्तों, इसके बाद आज की अगली टेक न्यूज़ की बात की जाए तो वो आ रही है IoT डिवाइसेस को लेके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 1, 2 या 3 नहीं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन IoT डिवाइसेस जो हैं उनकी सिक्योरिटी रिस्क पे है। और यहाँ पे JSOF रिसर्चर्स ने ये क्लेम किया है कि उनकी सिक्योरिटी में कुछ भेद है, वल्नरेबिलिटीज हैं, जिसके कारण उनके जो सिक्योरिटी ये डिवाइसेस हैं उनकी सिक्योरिटी में रिस्क है। और यहाँ पे कुछ निकल के सामने आ रही हैं कंपनीज जैसे कि कैटरपिलर, सिस्को, HP, इंटेल, रॉकवेल ऑटोमेशन, और भी कुछ कंपनीज हैं जिनके डिवाइसेस में ये परेशानी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, यहाँ पे इस परेशानी को नाम दिया गया है Ripple 20, तो जो वल्नरेबिलिटी है उसको Ripple 20 का नाम भी दिया गया है। और वहीं दोस्तों, इसके बाद आज की अगली टेक न्यूज़ की बात की जाए तो वो आ रही है Realme की तरह से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे Realme X को मिलना शुरू हो गया है उसका नया सॉफ्टवेयर अपडेट जो सिक्योरिटी पैच है उसके साथ। इसके अलावा यहाँ पे पेसा और हाई फन ऐप जो है उनका भी जो है अपडेट या प्रीलोडेड एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि ये स्मार्टफोन पिछले साल लॉन्च किया गया था, इसके अंदर एंड्रॉयड 9 इनबिल्ट आया था, और यहाँ पे अब इस साल फरवरी में एंड्रॉयड 10 का अपडेट इसको मिल चुका है। और वहीं दोस्तों, इसके बाद आज की अगली टेक न्यूज़ की बात की जाए तो वो आ रही है सोलर इक्लिप्स 2020 को लेके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जल्द ही एक जो सोलर इक्लिप्स है वो होने वाली है, जिसके अंदर रिंग ऑफ फायर जैसी आपको इमेज देखने को मिलेगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पे लाइव ऑनलाइन इंडियन टाइमिंग जो है वो भी रिवील किए गए हैं, जो कि हो सकता है कि जून 21
को आपको देखने को मिले। और वहीं दोस्तों इसके बाद आज के अगले टेक न्यूज की बात की जाए तो वो आ रही है टेक्नो स्पार्क पावर 2 को लेके। जी हां दोस्तों, यहां पे इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है और इसके हाइलाइट्स में आपको बता देता हूं, इसके अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, वहीं 7 इंच की इसके अंदर लार्ज डिस्प्ले रहेगी। और इसके अलावा इसके अंदर बात की जाए तो 16 मेगापिक्सल का मेन जो कैमरा सेंसर है वो देखने को मिलेगा और बाकी स्पेसिफिकेशंस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। वैसे इसके अंदर एंड्रॉयड 10 जो है प्रीलोडेड आएगा। और वहीं दोस्तों इसके बाद आज की अगली टेक न्यूज़ की बात की जाए तो वो आ रही है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स को लेके। और यहाँ पे इसकी नेक्स्ट सेल जो है वो रिवील की गई है जो कि June 24th को रखी गई है और ये दिन में 12 बजे Amazon पे या फिर MI.com पे की जाएगी। और यहाँ पे कुछ इसके अंदर ऑफर भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इसकी प्राइस जो है वो स्टार्ट हो रही है 16,499 रुपये से, जहाँ पे आपको 6GB प्लस 64GB के स्टोरेज वेरियंट को खरीद सकेंगे। और वहीं दोस्तों इसके बाद आज की अगली टेक न्यूज की बात की जाए तो वो आ रही है Redmi की तरफ से। जी हां दोस्तों, यहां पे Redmi K40 को स्पॉट किया गया है 3C सर्टिफिकेशन साइट पे, जिससे ये पता चलता है कि आने वाले इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 33 वॉट का जो चार्जर है वो देखने को मिलेगा। वहीं इसको जो मॉडल नंबर जिससे ये डिनोट किया गया है वो है M2006J10C। और इसके पहले भी Redmi K30 और K20 लॉन्च हो चुके हैं और K30 तो पिछले साल ही लॉन्च किया गया था। और वहीं दोस्तों इसके बाद आज की अगली टेक न्यूज़ की बात की जाए तो वो आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A21s को लेके। जी हां दोस्तों, यहां पे इस स्मार्टफोन को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया गया है और जिसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा और इसके अलावा जो है आपको होल पंच डिस्प्ले डिज़ाइन देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हाईलाइट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसके अंदर जो कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि बॉडी कलर्स जो रहेंगे वो ब्लैक, वाइट और ब्लू देखने को मिलेंगे। और बाकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों इसके बाद अगली टेक न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो आ रही है एक रोबोट को लेके। जी हां दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहां पे बूस्टन डायनेमिक्स ने स्पॉट किया है डॉग लाइट रोबोट को, जो कि जल्दी सेल पे जाने वाला है कुछ लिमिटेड कंडीशंस के साथ। और यहाँ पे ये मिलिट्री फंडेड रिसर्च थी जिसके अंदर इसको ये डेवलप किया गया था। और वहीं दोस्तों इसके बाद आज के अगले टेक न्यूज़ की बात की जाए तो वो आ रही है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट को लेके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इफेक्टिव प्राइस के साथ जो कि 34,999 रुपये है, इस स्मार्टफोन को अवेलेबल कराया जा रहा है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट। और आप क्या इस स्मार्टफोन को लेना पसंद करेंगे जो इसके प्राइस रेंज अभी इफेक्टिव प्राइस है उसके बाद? और यहाँ पे आपको बता दें कि इसके अंदर आपको एस पेन स्टाइलस भी देखने को मिलेगा। और वहीं दोस्तों इसके बाद आज की अगली टेक न्यूज़ की बात की जाए तो वो आ रही है मोटोरोला एज प्लस की तरफ से। जी हां दोस्तों, यहां पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस स्मार्टफोन को जो है डिस्प्ले के कुछ इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं और कई यूज़र्स ने कंप्लेंट की है कि यहां पे डिस्प्ले में कोई परेशानी हो रही है। जैसे कि आप दो फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक में ग्रीन टिंट टाइप का आ गया है, उसके अलावा दूसरी में ऐसा लग रहा है जैसे वाइट फ्लेम निकल के सामने आ रही हो। और देखते हैं कि इसके आगे इनमें क्या अपडेट आता है कि मोटोरोला जो है इस पे कोई रिस्पॉन्ड करता है या फिर कैसा क्या रहता है। वहीं दोस्तों इसके बाद आज की अगली टेक न्यूज़ की बात की जाए तो वो आ रही है रियलमी की तरह से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे रियलमी X3 और रियलमी X3 सुपर जूम का जो लॉन्च डेट है उसको सेट कर दिया गया है इंडिया के अंदर, जो कि June 25 रखी गई है। और यहाँ पे इसके एक्सपेक्टेड जो प्राइस और स्पेसिफिकेशन है वैसे तो कुछ मैं बता देता हूँ, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी डाले गए हैं तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसको दिन में 12 बजे June 25 को लॉन्च किया जाएगा और इसके अंदर ही आपको रियलमी X3 के अंदर जो है ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा। वहीं अगर रियर कैमरा की बात की जाए तो 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 प्लस 2 का यहाँ पे सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि कुल मिला के क्वाड कोर कैमरा सेटअप है। और यहाँ पे 41,000 mAh की बैटरी भी देखने को मिलेगी। वहीं रियलमी X3
सुपर जूम की बात की जाए तो इसके अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस एसओसी यानी प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और कैमरा की बात की जाए तो 64+8+8+2 का यहाँ पे सेटअप देखने को मिलेगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में आप स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आज की अगली टेक न्यूज़ की बात की जाए तो वो आ रही है रेडमी नोट 9 प्रो को लेके, और इसकी नेक्स्ट सेल जो है वो शेड्यूल की गई है June 23rd को amazon.in या mi.com पे, और बाकी स्पेसिफिकेशन आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए आज के आखिरी टेक न्यूज़ की तो वो आ रही है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695G के अनाउंसमेंट को लेके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये जो है SoC सपोर्ट करेगा 4K HDR कैप्चर को, और वहीं इसके अंदर 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले का पैनल सपोर्ट करने का भी जो है सपोर्ट रहेगा। नेविक IC आपको देखने मिलेगा, नेविक देखने का मिलेगा सपोर्ट, और इसके अलावा ये चिपसेट आपको सेकेंड हाफ में इस साल के देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ पे जो ये चिपसेट अवेलेबल कराएंगे वो हैं HMD Globals, LG Electronics, Motorola, Sharp, TCL और WinTech। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की टेक न्यूज़ में कुछ नया जानने को मिला होगा, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।